नमस्ते दोस्तों दोस्तों जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बात की थी आइसोस्टेसी की, सम संतुलन की। उस वर्ड के बारे में हम लोगों ने जाना था कि एक वर्ड क्या है। सम संतुलन मतलब पृथ्वी पर जो जितने भी ऊंचा अच्छा उन सभी के अंदर एक संतुलन है, और उसी संतुलन के बारे में, सम संतुलन के बारे में डिंटन जो महोदय थे, जो एक यूएस के जो ज्योग्राफर थे, उन्होंने इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन किया था, और वो हम लोगों ने कल बात की थी। आज हम इससे संबंधित सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। कल हम लोगों ने एक बात और की थी कि जो माउंट एवरेस्ट जिनके नाम पर है, जॉर्ज एवरेस्ट, उन्होंने एक सर्वे किया था। वो सर्वे किस प्रकार का किया था कि उन्होंने हमारे जो जितने भी ऊंचा वृक्ष है, जो जो हमारा हिमालय है, उस हिमालय के ऊपर जो पेंडुलम है उसकी सहायता से अक्षांश और देशांतर खींचने के लिए एक सर्वे किया था। और उस सर्वे के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले गए थे, और वो निष्कर्ष, वो रिपोर्ट जो उस समय जार्ज जो माउंटेन थी उन्होंने इकट्ठी की, जो एक डिफरेंस हम लोग देख रहे थे कि एक डिफरेंस आया था 5.23 मिनट का। उस जब डिफरेंस को अलग अलग ज्योग्राफर के सामने लेके जाया गया, जो अलग 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 भूगोलवेताओं के सामने लेके जाया गया, तो उन्होंने अपने एक अलग अलग थ्योरीज दी, अलग अलग सिद्धांत दिए, जिन सिद्धांतों को आज हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो उसी कड़ी में सबसे पहले जो ज्योग्राफी, जो सबसे पहले वो जो हिमालय का सर्वे किया था, जो हिमालय का सर्वेक्षण किया था, और कल्याण और कल्याणपुरम जो दो एरिया थे, जो दो क्षेत्र थे, उनके बीच में जो अंतर था, उस अंतर को सबसे पहले रखा गया एरी महोदय के सामने। एरी कौन थे? ये एक ज्योग्राफर थे, और ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, और उसके साथ साथ ये जियोफिजिक्स भी पढ़ाते थे। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जब हिमालय के बारे में पूछा गया इनसे कि भाई क्या कारण है कि हिमालय के अंदर कि वो गुरुत्वाकर्षण नहीं है जिसके कारण पेंडुलम अपनी यह अपनी ओर आकर्षित कर सके, तो इन्होंने बताया कि जो हिमालय है उसकी डेंसिटी का कोई मैटर नहीं है। उन्होंने बताया कि ये जो हिमालय हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका 9 गुना पार्ट पृथ्वी के अंदर कहीं न कहीं दबा हुआ है, और जिसके कारण ये संतुलन में है। इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि जैसे कोई नाव हम समुन्दर के ऊपर या पानी के ऊपर देखते हैं तैरते हुए, तो वो क्या करती है, उसका लगभग ज्यादा पार्ट पानी के अंदर गहराई तक रहता है या पानी के अंदर डूबा रहता है, और बाकी कुछ पार्ट पानी के ऊपर रहता है जिसके कारण वह तैरती है। उसी प्रकार इन्होंने बताया कि जो हिमालय है हमारा, उसका कुछ पार्ट ऊपर हो, बाकी जो पार्ट है वो उसका गहराई तक फैला हुआ है। और ये जो इन्होंने बताया कि ये जो जड़ है, ये जड़ अगर देखा जाए तो ये हम देखें कि माउंट एवरेस्ट जो 8,850 है, मतलब 9,000 ही हम इसको मान लेते हैं, 9,000 मीटर, और 9,000 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करें तो अप्रोक्सीमेटली 18,000 मीटर की गहराई तक इन्होंने बोला कि इसकी जो जड़ है। बट इसी बात पे इन्होंने क्या, इसके आपत्ति हुई, इन्हीं बात पे इनका क्रिटिसाइज हुआ कि क्योंकि हम लोगों ने जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा था तो उसमें देखा था कि 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता रहता है। तो आप देखोगे कि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो 80,000 पर कितना बढ़ेगा, वह टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि जो अंदर की जो गहराई होगी वहां पर ये मेल्ट हो जाएंगी या रॉक फिर पिघल जाएंगी। तो इस कारण को इनका क्रिटिसाइज हुआ। परंतु दोस्तों जो एरी जो महोदय थे, इन्होंने जो सम संतुलन सिद्धांत के बारे में बताया, ये सम संतुलन सिद्धांत कि बहुत ज्यादा मान्यता थी आखिरी समय तक। और इन्होंने एक बताया कि एक सम संतुलन रेखा है, इस सम संतुलन रेखा के ऊपर, इस सम संतुलन रेखा के ऊपर सारे के सारे जो भी उच्चावच है उन उच्चावचों का भार बराबर है। इन्होंने बताया कि ये जो एक रेखा है, सम संतुलन रेखा या लेवल ऑफ कंपनसेशन भी इसको बोलते हैं, इस पर इन्होंने बताया कि इस रेखा के ऊपर ऊपर मतलब यहां पर सबका जो वेट है, सबका जो भार है वो बराबर है, चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे मैदान हो। तो इनकी इन्होंने इसका एक एग्जाम्पल क्या लिया, इन्होंने पानी का जो जो ये था एक जार लिया, और उस पानी के जार के अंदर अलग अलग वुडन के टुकड़े, अलग अलग साइज के जो टुकड़े थे, इनको इकट्ठा लिया और उसको डुबो के दिखाया,
तो जो सबसे ऊंचा टुकड़ा था वो सबसे ज्यादा गहराई तक गया और जो सबसे छोटा टुकड़ा था वो कम गहराई तक गया। तो इसी आधार पर इन्होंने बताया कि जो हमारा पृथ्वी का सरफेस है, जो हमारा क्रस्ट है, वो जो हमारे ऊंचावच है, वो जो जितना ज्यादा ऊंचा है वो पृथ्वी के अंदर भी उतना ही गहराई तक गया हुआ है। उसके बाद जो छोटा है वो कम गहराई तक है और जो बड़ा है वो जो ऊंचा है वो और ज्यादा गहराई तक है। इसके बाद इनका क्रिटिसाइज किया और उसके बाद आए प्राट। प्राट कौन थे? एक अलग ज्योग्राफर थे जिनके सामने ये जो हमारा सर्वे था, जो जॉर्ज एवरेस्ट ने जो सर्वे किया था उसी सर्वे को दोबारा से फिर इसके सामने रखा, प्राट महोदय के सामने रखा। और प्राट जो महोदय थे उन्होंने भी अपना एक आइसोस्टेसी सम संतुलन का सिद्धांत दिया। उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया कि जो एक लेवल ऑफ कंपनसेशन है, मतलब एक ऐसी रेखा है, ये जो लेवल ऑफ कंपनसेशन है, इस रेखा से ऊपर जितने भी ऊंचावच हैं, चाहे वो पर्वत है, चाहे वो पठार है, चाहे वो मैदान है, चाहे वो समुन्द्र की तली है, उन सब की डेंसिटी मतलब घनत्व के अंदर अंतर है, डिफरेंस है। अब घनत्व के अंदर डिफरेंस क्या है? अब देखो इन्होंने बताया कि जो सबसे ऊंचा पार्ट है, सबसे ऊंचा पार्ट है उसका, जैसे जो सबसे ऊंचा पार्ट क्या होता है? हमारा पर्वत। सेकंड क्या होता है? पठार। थर्ड क्या होगा? मैदान। और फोर्थ क्या होगा? सबसे गहरी अगर चीज देखें तो हम समुन्द्र तल देखते हैं, समुन्द्र की तली, समुन्द्र तल। इन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा डेंसिटी इसकी है, सबसे ज्यादा डेंसिटी इसकी है, सेकंड नंबर पर डेंसिटी इसकी है मैदान की है, थर्ड पर डेंसिटी इसकी है और जो सबसे कम डेंसिटी है वो पर्वत की है। तो एरी जो मोदे थे, हमारे जो एरी ज्योग्राफर थे, उन्होंने बताया कि एक लेवल ऑफ कंपनसेशन है, एक आधार तल रेखा है, उससे ऊपर जितने भी ऊंचावच है उनके जो भार है, उनका जो वेट है, उसमें डिफरेंस है, वो बाकी वो सेम रहता है। बट इन्होंने बताया कि एक लेवल ऑफ कंपनसेशन, एक सर्वोच्च, एक नीचे रेखा, उस रेखा के ऊपर के जो ऊंचावच है उनके डेंसिटी के अंदर फर्क है, वो डेंसिटी जो जितना ऊंचा है उसके अंदर डेंसिटी कम है। मतलब इन्होंने बताया ऊंचाई, इन्होंने क्या बताया? जो ऊंचाई होती है हमारी, ऊंचाई का और घनत्व का एक दूसरे से विपरीत संबंध है, वो मतलब जो जितना ऊंचा है वो उसका डेंसिटी उतनी ही कम है। तो ये जो प्राट महोदय थे इन्होंने क्या बताया कि लेवल ऑफ जो कंपनसेशन है उस कंपनसेशन से नीचे, मतलब इससे नीचे जो डेंसिटी है, घनत्व है, सबका समान हो जाता है। तो एरी ने वेट के बारे में, बार के बारे में बताया, और इन्होंने क्या, किसके बारे में बताया? डेंसिटी के बारे में बताया। और इसी ये उन्होंने बताया कि ये जो घनत्व है, ये जो डेंसिटी के जो अंतर है, इसी अंतर के कारण जो हमारे ऊंचावच है वो एक सीक्वेंस में या फिर एक संतुलन के आधार पर खड़े हुए हैं। थर्ड इनके बाद कौन से ज्योग्राफर आए? हिस्मैन। इन्होंने बताया कि जो प्राट और जो एरी महोदय ने बताया, या जो हिस्कैनन थे हमारे, इन्होंने बताया कि जो प्राट और जो एरी महोदय है उनके द्वारा जो बात बताई गई है उन सभी को अगर कंबाइंड किया जाए, उनको जोड़ा जाए, तो हम सम संतुलन के नजदीक पहुंच सकते हैं। बट उसमें एक चीज ऐड और करनी पड़ेगी। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, इन पर्वत, पठार और मैदान का जो डेंसिटी है, घनत्व है, उसके अंदर अंतर है। प्राट ने भी ऐसा ही बोला, इन्होंने भी ऐसा ही बोला कि ये बात ठीक है। सेकंड जैसे एरी ने बोला कि इनका जो भार है, इनका जो वेट है, उसके अंदर अंतर है, तो इन्होंने बोला कि ये भी ठीक है। पर एक तीसरी चीज और है, तो इस तीसरी चीज के कारण इन्होंने क्या बताया? तीसरी चीज इन्होंने बताया कि जैसे हिमालय पर्वत को हम अगर लें कि हिमालय पर्वत की गुरुत्वाकर्षण कम क्यों है, तो इन्होंने बताया कि हिमालय पर्वत का जो नीचे की जो चट्टाने हैं, जो नीचे की ये चट्टाने हैं,
इन चट्टानों की जो डेंसिटी है या जो इन चट्टानों का जो घनत्व है और जो ऊपर वाली चट्टाने हैं उनके घनत्व के अंदर डिफरेंस है। मतलब जो चट्टान जितनी ऊंची है, जितनी ऊपर तक जाती है, उसकी जो घनत्व है, उसका जो डेंसिटी है वो कम है, और जो जितनी गहराई में जाती है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। इन्होंने बताया कि अगर हम अजम्पशन करें, अगर इनके हिसाब से चले, तो इन्होंने बताया कि ये एक पर्वत हुआ, अगर पर्वत को तीन लेवल में बांटे तो सबसे ऊपर वाले की जो डेंसिटी है वो 1 है, सेकंड वाले की 3 है, थर्ड वाली जो रॉक्स हैं उनकी 4 है, और जैसे ही क्रस्ट के नीचे जाएंगे इसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। मतलब जो फोर्थ वाला पार्ट है उसकी ज्यादा है, और जो और नीचे जाएंगे उसकी डेंसिटी उससे भी ज्यादा है। ये बताया पर्वत का। उसके बाद बताया इन्होंने पठार के बारे में। इन्होंने बताया कि जो हमारा पठार है, जो हमारे प्लेटो रीजन है, उस प्लेटो की डेंसिटी हमेशा पर्वतों की डेंसिटी से ज्यादा होती है। मतलब अगर पर्वत की डेंसिटी 1 है या एवरेज डेंसिटी 7 है, तो इसकी डेंसिटी इससे ज्यादा है। मतलब इसकी एवरेज डेंसिटी 9 या फिर 10 के नजदीक है। और बात सारी की सारी इसने सेम ही बताई कि इसकी जो पठार है उसके जो नीचे की चट्टानें होगी उनका घनत्व ज्यादा होगा, और पठार की जो ऊपर की चट्टानें होंगी उनका घनत्व कम होगा। मतलब पठार की जो सबसे ऊपरी चट्टान होगी उसका घनत्व 5, बीच वाली का 6, नीचे वाली का 7, और आप नीचे नीचे जैसे ही पठार के जाते जाओगे वैसे वैसे इसका घनत्व बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार का जो तीसरा सिद्धांत था दोस्तों, वो हिस कैनन के द्वारा दिया गया। और इन्होंने क्या किया, जो प्राट महोदय थे हमारे और जो एरी महोदय थे, उन दोनों के जो सिद्धांत थे उनको मिला दिया गया, और थर्ड क्या किया, अपना और सिद्धांत, अपनी और जो बात थी उन्होंने इसके अंदर कही। अब इसके बाद फिर इस सिद्धांत के ऊपर और चर्चा हुई, और उसके बाद दो और ज्योग्राफर आए, और वो ज्योग्राफर थे कौन थे, एक तो था बोवी और थर्ड, और एक तो हैफोर्ड। एक था बोवी और एक था हैफोर्ड। जो बोवी थे जो और हैफोर्ड थे, उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो हैफोर्ड महोदय थे, ये वाले जो हमारे ज्योग्राफर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो प्राट महोदय ने बोला, जो प्राट ने बोला सेम टू सेम इन्होंने बोला, कि जो प्राट ने कहा, मतलब कि डेंसिटी के अंदर जो बाहर के जो उच्चावच है, जो हमारे जो लैंड फॉर्म है उनकी डेंसिटी के अंदर सही है, अंतर सही है, मैं मानता हूं। पर साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो लेवल ऑफ कंपनसेशन है, जो लेवल ऑफ कंपनसेशन है, मतलब ये जो लेवल है जहां पर इनकी डेंसिटी बराबर हो जाती है, वो अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर पर है, 100 किलोमीटर तक है। मतलब हैफोर्ड ने क्या बताया कि जो जो उच्चावच है या जो लैंड फॉर्म है उनके घनत्व में अंतर है, बट वो जो घनत्व के अंदर अंतर है वो सिर्फ क्रस्ट के, मतलब ऊपरी पार्ट के 100 किलोमीटर तक ही है। उसके बाद लेवल ऑफ कंपनसेशन आता है, एक रेखा आ जाती है, और उस रेखा के नीचे सब कुछ बराबर हो जाता है। अब इसके बाद आए बोवी, हैफर्ड आया, उसके बाद आए बोवी, और बोवी ने क्या बोला, इन्होंने एरी के बारे में भी ठीक कहा, इन्होंने बोला कि प्राट भी ठीक है, और उन्होंने बताया कि एरी और जो प्राट है वो एक दूसरे के सिमिलर ही हैं। उन्होंने एरी ने अलग तरीके से बात बताई और जो प्राट थे उन्होंने अलग तरीके से बात बताई, अगर इनको ध्यान से पढ़ा जाए, इनकी डीपली स्टडी की जाए, तो वो एक दूसरे का सिमिलर ही रूप है। और जो हैफोर्ड महोदय थे, इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने बताया था कि जो लेवल ऑफ कंपनसेशन है जो 100 किलोमीटर की गहराई पर है, इन्होंने बताया कि ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। तो कोविन ने बोला कि ये जो हैफोर्ड ब्रदर ये बताते हैं कि ये जो लेवल ऑफ कंपनसेशन 100 किलोमीटर है, उसकी बजाय जो बोवी महोदय थे उन्होंने बताया कि इसकी गहराई 100 किलोमीटर पर ना होके 112 किलोमीटर पर है।
112 किलोमीटर पर है, मतलब इस 112 किलोमीटर पर वो जो लेवल ऑफ कंपनसेशन है, एक रेखा है, उस रेखा के ऊपर जितने भी उच्चावच हैं, जिसके ऊपर पर्वत, पठार, मैदान, जितने भी तरह के उच्चावच हैं, उनकी जो डेंसिटी है, उस डेंसिटी के अंदर, उस घनत्व के अंदर डिफरेंस है, और उस घनत्व के अंदर डिफरेंस के साथ साथ उनकी ऊंचाई में भी डिफरेंस है, उनकी ऊंचाई में भी अंतर है। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो अलग अलग जो ज्योग्राफर थे, उन्होंने पहले वाले जो सिद्धांत थे उन्हीं सिद्धांतों के ऊपर काम किया और उसके ऊपर सुधार किया। और इसी आधार पर जो हमारा थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी जो का जो सिद्धांत था, या जो समसंतुलन का सिद्धांत था, वो सिद्धांत हमारे सामने आया। तो इस प्रकार किसी सिद्धांत का निर्माण हुआ। और ये एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जो थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी थी, या जो सम संतुलन का सिद्धांत था, वो सम संतुलन का सिद्धांत का बनने का सबसे मेन कारण जो हमारा हिमालय है उसके गुरुत्वाकर्षण का सबसे मेन फोकस रख के इसका सिद्धांत का निर्माण किया गया था। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो ज्योग्राफर थे, जो हमारे पहले सर्वेयर ऑफ इंडिया थे, एवरेस्ट महोदय, उन्होंने एक रिपोर्ट, एक सर्वे की जो रिपोर्ट थी वो अलग अलग ज्योग्राफर के सामने रखी, और अलग अलग ज्योग्राफर ने अपने हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से अपना एक अलग सिद्धांत दिया। और इसी सिद्धांत के आधार पर भूसंतुलन का सिद्धांत हमारे सामने आया। और ये भूसंतुलन का सिद्धांत हमारी जो जियोमोरफोलॉजी है, जो हमारी प्रकृति है, उसके ऊपर बहुत मायना रखता है। क्यों मायना रखता है? क्योंकि हम लोगों ने कल भी देखा था कि जो पर्वत हैं वो धीरे 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 पठार के अंदर, मैदान के अंदर, और धीरे धीरे वो किसके अंदर, समुद्र की तली के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। परंतु ऐसा कभी भी नहीं होता, कभी भी सारी की सारी धरती फ्लैट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जैसे ही पर्वत धीरे घिसना शुरू हो जाएगा, मतलब कोई भी पर्वत अगर इतनी ऊंचाई से कम होना शुरू हो जाएगा, ये शुरू हो जाएगा, इतना ऊंचाई पर रह जाएगा, फिर ये इतना हो जाएगा, और फिर ये इतनी तली में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा कि यहां पर वेट ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब भार यहां पर ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब भार ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये वाला जो सरफेस है वो नीचे की तरफ दबेगा ही दबेगा। और जब नीचे की तरफ दबेगा तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था, लावा देखा, मैग्मा देखा था ना। और ये मैग्मा, ये लावा क्या होगा, जहां पर सॉफ्ट पार्ट थे, सॉफ्ट पार्ट कहां पर थे, सॉफ्ट पार्ट हमेशा हम लोगों ने कहां पर देखे थे कि जहां पर वोल्केनो इरप्शन होता है, और वोल्केनो इरप्शन कहां पर होता है, क्रेटर के अंदर या फिर फोल्ड माउंटेन की तरफ। तो दोबारा से फिर जहां पर फोल्ड माउंटेन है, दोबारा से फिर उनकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ये एक प्रकार से पूरे का पूरा जो सर्कल है, पूरे का पूरा जो चक्कर है हमारा, दोबारा से फिर चलता रहेगा। और इसी सारी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सम संतुलन की प्रक्रिया, या थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 4 से 5 ज्योग्राफर की जो थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी या भूसंतुलन के सिद्धांत के बारे में चर्चा की। और ये सिद्धांत के बारे में यूपीएससी के अंदर प्रीवियस जो एग्जाम्स है, मेंस के अंदर बहुत बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और तब तक आप बने रहिए। धन्यवाद।